गमन का घर खाली होता है और पेटीएम के हिसाब से मेरा हर ट्रांजेक्शन जाली होता है। खैर डीमोनेटाइजेशन के बाद ने पेटीएम की हो रही थी चांदी, पर किससे पता था कि तूफान से पहले की ये शांति। सच बताओ तो सोच बड़ी थी, जैसे एटीएम नहीं पेटीएम करो, फास्टैग, मूवी टिकट, रिचार्जेस सब कुछ कर दिया था ऑनलाइन, पर कुछ चलेगा ऑनलाइन। 2018 से आरबीआई दे रहा है इन्हें वार्निंग्स, पर पेटीएम इग्नोर करता रहा जैसे वो फैमिली ग्रुप्स के मैसेजेस लाइक गुड मॉर्निंग। फिर 2021 में आरबीआई ने दिया 1 करोड़ का फाइन, फिर भी पेटीएम नहीं आया ऑनलाइन। फिर पेटीएम आईपीओ भी लाया पर वैल्यूएशन इनकी जाली थी, कंगाली आई इन्वेस्टर्स की तो गाली तो खानी थी। अपना वर्ल्ड बचाना बचा पेमेंट्स बैंक, तो फॉलो कर लो रूल्स देखो ऑन शार्क टैंक।